अरे अजय कहाँ पर है तू? घर पर बैठा हूँ यार। कुछ नहीं यार, बस थोड़ा बोर हो रहा था, सोचा तुझे कॉल करूँ। हाँ यार, बोर तो मैं भी हो रहा हूँ, पर किसी बात को लेकर परेशान भी हूँ यार मैं। तू एक काम कर, मेरे घर आ जा, फिर बात करेंगे। ओके ठीक है, चल आता हूँ मैं। और अजय, पहले बता क्या लेगा तू? नहीं यार योगु, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ये बता, तू बोल रहा था किसी बात को लेकर तू परेशान है। हाँ यार योगु, दरअसल बात ये है कि कुछ दिन पहले मैं मेरे मामा के गांव गया था यार। हाँ तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अरे योगु, तुझे क्या बताऊँ यार, मेरे मामा के गाँव के लोगों को पीने के लिए ढंग से पानी तक नहीं है यार। ओ भाई, यहाँ पर पानी नहीं मिलता, बहुत दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। ये बड़ी दूर से पानी लाना पड़ता है पीने के लिए, वो भी पैदल। बिना पानी के मैं वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुक सका और मैं जालना वापस आ गया। अब तो तू वापस आ गया ना, छोड़ उस बात को। कैसे छोड़ो यार योगू उस बात को? उन लोगों को पानी नहीं मिलता है तो पानी की कीमत उन लोगों को पता है, और हमें मिलता है तो हम ज़रूरत से ज़्यादा उसे बर्बाद कर रहे हैं। क्या बोल रहा है तू? किसने पानी बर्बाद किया? बताता हूँ, दो दिन पहले की बात है, जब मैं कॉलेज से घर आ रहा था तब मैंने देखा। मैंने देखा रोड पर एक सरकारी पाइप जो बुरी तरह से फूट गया है, और पूरा पानी ऐसे ही बर्बाद हो रहा था, और लोग देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। और आगे गया तो देखा कि तीन बच्चे अपने घर के सामने खेल रहे थे, और वो भी पानी के साथ, और पानी नीचे गिराकर पूरा पानी बर्बाद कर रहे थे। थोड़ा आगे जाने पर मैंने एक लड़के को देखा जो अपनी बाइक धो रहा था। चलो बाइक धो रहा था, पर बगल में जो बाल्टी भरने पर भी पूरा पानी पाइप से नीचे ऐसे ही बर्बाद हो रहा था, और वो लड़का देखकर भी अनजान बन रहा था। और लास्ट में मैंने देखा कि और एक लड़का जिसने अपना पानी का घड़ा नल के नीचे लगाकर मोबाइल में गेम खेल रहा था, और घड़ा भरकर पूरा पानी नीचे बहकर बर्बाद हो रहा था, फिर भी वो लड़का पानी से ज़्यादा गेम को महत्व दे रहा था। अच्छा इसलिए तू परेशान है? और योगु तुझे एक बात बताऊँ, ऐसे ही हर रोज पानी बर्बाद होता है। मैंने देखा यार योगु, वो लोग बहुत ही दूर से पानी लाते हैं यार। मुझे उन लोगों की परेशानी देखी नहीं जाती यार, जो इतने दूर से पानी लाते हैं, और हम लोग ऐसे ही पानी बर्बाद करते रहे तो हमें भी एक दिन पानी के लिए तरसना पड़ेगा, इसलिए हमें पानी की बचत करनी चाहिए। बात तो तेरी सही है, पर उन लोगों को कौन समझाएगा जो ज़रूरत से ज़्यादा पानी बर्बाद करते हैं? जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा पानी बर्बाद करते हैं उन्हें हम बताएंगे। क्या?
हम उन्हें बताएंगे पानी क्या है। हमारे दादाजी ने जिसे नदी में देखा, पिताजी ने कुएं में, हमने जिसे नल में देखा और बच्चों ने बोतल में, पर अब उनके बच्चे कहाँ देखेंगे। इसलिए दोस्तों आप सभी से प्रार्थना है कि नई पीढ़ी के खातिर पानी बचाओ, क्योंकि जल ही जीवन है। प्लीज़ सेव द वाटर। थैंक यू।